कोणार्क एक्सप्रेस की यात्रा के पार्ट टू में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोग हमारा विजयवाड़ा से भुवनेश्वर तक का सफ़र पूरा देखने वाले हैं, जहां पे ट्रेन ट्रैक साउंड से लेकर सभी चीज़ें आपको रियल रेल फैनिंग वाली फीलिंग देने वाली। ऐसा लगेगा आप भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो मेरे साथ। इन सभी चीज़ों को डिटेल में इन्जॉय करने के लिए ईयरफोन्स को लगा लीजिएगा। और साथ साथ आपको बताऊँ, नज़ारे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको इस वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे नया लोकोमोटिव रिवर्सल के बाद लगा दिया जाए उसका ट्रेन। दोस्तों कैसे हैं आप सब? हम हैं फिलहाल विजयवाड़ा में और ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग कोणार्क एक्सप्रेस में, जो कि मुंबई से भुवनेश्वर के बीच में चलती है। वैसे आप लोगों को बता दूं, अभी तक हम लोगों ने इसमें पुणे से यात्रा शुरू की थी, सोलापुर गुलबर्गा के रास्ते हैदराबाद होते हुए वरंगल विजयवाड़ा तक हम लोगों ने सफर को तय कर लिया है। विजयवाड़ा एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा गुड्स मार्शल यार्ड इंडिया का है ही यहाँ पे, मतलब पाँचवें नंबर का। बाकी बिजिएस्ट रेलवे स्टेशनों में से भी आता है अपना विजयवाड़ा। और साथ ही साथ यहाँ से आपको बड़े बड़े रूट्स पे ट्रेनें मिल जाएंगी। हैदराबाद दिल्ली लाइन तो है ही, चेन्नई के लिए, गुंटूर के लिए, इधर वाडलू, भुवनेश्वर, हावड़ा, सभी जगह आपको ट्रेनें मिल जाएंगी। अगर आप कोणार्क एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हो तो खाने पीने की टेंशन मत लो, गाड़ी में खाना पीना है ही अच्छा। और विजयवाड़ा जंक्शन में भी आपको फ्रूट्स वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ट्रेन में भी खाना पीना बहुत ही अच्छा सर्व हो रहा है, इस चीज़ की मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू भी करने वाले हैं। बाकी जनरल के पास आप देख लो, ठंडा पानी यहाँ पर मिल जाएगा, संतरे वगैरह, फल वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो खाने पीने की टेंशन तो आप छोड़ ही दो इस ट्रेन से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो। ये रहा अपना कोच, थोड़ा 20 मिनट के डिले के साथ गाड़ी यहाँ पर आई है, और जब डिपार्चर होगा तब आपसे मुलाकात करेंगे। और आज इस ट्रेन का लंच और डिनर सब कुछ ट्रेन में ही ट्राई करेंगे हम लोग। बढ़िया खाना पीना इस ट्रेन में मिल रहा था, तो सर्विसेज में मज़ा आ रहा है। अब जो अपना रूट है वो होने वाला है यहाँ से विशाखापट्टनम होते हुए, और उसके बाद विजयनगरम खुर्दा रोड होते हुए जाएंगे हम लोग भुवनेश्वर तक। और रात 12 तक ट्रेन वैसे भुवनेश्वर पहुँचने वाली है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूट्स की बात करूँ ना, तो आप यहाँ से चेन्नई गुडूर तिरुपति वाली लाइन की ओर बढ़ सकते हैं, गुंटूर वाली लाइन की ओर भी आप जा सकते हो, यहाँ से हैदराबाद वाली लाइन, दिल्ली वाली लाइन तो आपने देखी जिससे भी हम लोग आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ से आपको हावड़ा भुवनेश्वर विशाखापट्टनम वाली जो मेन लाइन है वो मिल जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा मेजर जंक्शन हो जाता है, बहुत ही बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड है यहाँ पे, इंडिया के बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में आता है और कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो ना तो सनसेट वगैरह देखने के लिए कृष्णा नदी किनारे ज़रूर जाना, जगह बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे दूसरी वंदे भारत भी जो कि विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के लिए जा रही है वो भी आज की है। इसमें हम लोगों ने इनॉग्रेशन में ट्रैवल किया था, जब इसका उद्घाटन हुआ था तो सिकंदराबाद से विजयवाड़ा तक ट्रैवल किया था। और बहुत ही अच्छी इसमें पैट्रोनेज मिली है, यात्री हमेशा इसे प्रेफर करते हैं इस रूट पर, इसलिए रिवर्स वंदे भारत भी खोली गई थी। आज सुबह जो आप लोगों ने ऑरेंज वंदे भारत देखी थी ना, उसके रिवर्स एक्शन में खोली गई, क्योंकि ये वंदे भारत पूरी पैक चलती है इस रूट पर। विजयवाड़ा में बिरयानी हो, खाने पीने की चीज़ें हो, फल वगैरह हो, स्नैक्स आइटम हो, सब चीज़ आपको मिल जाएंगी। ट्रेन हमारी अभी भी खड़ी हुई है क्योंकि वंदे भारत को भी आगे आगे निकाला जा रहा है सिकंदराबाद की ओर। बाकी खाने पीने की वैरायटी देखो, हर कोच के आगे आपको मिल जाएगी। मिलते भाई, ठीक है, थैंक यू भाई। मुकेश भाई आया तो बहुत अच्छा लगा, और फाइनली अपना डिपार्चर भी हो चुका है यहाँ से। लगभग आधे घंटे ट्रेन रुकी है आज विजयवाड़ा जंक्शन में। अभी आप लोग गेस करो सामने कौन सी ट्रेन आ रही होगी प्लेटफॉर्म एक पर। मुझे तो ये कोरमंडल लग रही है वैसे इसके बोर्ड के हिसाब से। तो ये सांतराघाटी तिरुपति वीकली और विजयवाड़ा से हम लोग निकल चुके हैं फाइनली। सांतराघाटी तिरुपति स्पेशल एक्सप्रेस
अरे यार रह गया बंदा। तरफ यानी सामने तरफ जो लाइन जा रही है ना, ये जा रही है सिकंदराबाद, नागपुर, दिल्ली, भोपाल उस तरफ। हम लोग हावड़ा, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम वाली लाइन पर पड़ रहे हैं। और जो पीछे तरफ लाइन जाती है वो सभी गुंटूर और चेन्नई लाइन बाकी रूट्स ले जाती हैं। आप लोग पूछोगे कि मुकेश भाई क्या क्या लाए थे, तो भाई पहले ही दिखा देता हूँ वरना कमेंट आने वाले हैं। चीकू लाए हैं, यहाँ पे अंगूर लाए हैं, संतरा लाए हैं, केला लाए हैं, और ये जो काजू है ये मैंने ख़रीद लिया था विजयवाड़ा से पहले ही। वेटापलम का काजू लिखा हुआ है पर ये वेटापलम का है नहीं। देखो थोड़े थोड़े निशान कहीं आपको ब्लैक डॉट वगैरह मिल जाएंगे देखने को। तो ये एक्चुअली पलासा साइड का ही है काजू, पर सही रेट में मिला। ये 700 रुपये उन्होंने लिखा था, मैंने 500 रुपये दिए, 500 में बार्गेनिंग तय हो गई। जो सबसे अच्छा है मेरे लिए ठीक है, मतलब जर्नी में काम आएगा। बाकी इस जर्नी में बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है, उसका रिव्यू भी करेंगे काजू का भी, और खाना पीना भी ऑर्डर किया उसका भी रिव्यू करेंगे, और पल तो है ही साथ में, मज़ा आएगा इस जर्नी में, एंजॉय करते हैं। बहुत लंबी जर्नी है, अभी बहुत कुछ आना है बाकी है। विशाखापट्टनम, राजमुंड्री और भुवनेश्वर तक अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, मज़ा बहुत आने वाला है। फाइनली अपनी ट्रेन नंबर 11019 CSMT भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस आ चुकी है एलूर में। और यहाँ पर अराइवल टाइम तो 10:20 के साथ 2 मिनट का हॉल्ट टाइम, बट ट्रेन यहाँ पे डीले के साथ पहुँची है। हम लोग 11 o'clock यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो डीले हुआ वो विजयवाड़ा से हुआ, और बाकी यहाँ चल के जो हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हो। यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह स्टेशन में मिल जाएंगी, ठंडी और ठंडा पानी मिल जाएगा, और तेलुगु में आप अनाउंसमेंट सुन रहे हो यहाँ पे। बाकी पत्ती समोसा होता है ना, इसमें अंदर प्याज भरा होता है, वो विद चिली, वो स्टेशन में भर भर के अवेलेबल है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। 2 मिनट का हॉल्ट टाइम है, ज़्यादा देर ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है, तो रिस्क मत लेना। जनरल कोच काफ़ी खाली सा हो गया है यहाँ पे। कोणार्क एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है, ट्रेन नंबर
एलूर से भी हम लोग निकल चुके हैं, इसे एलूर कहा जाता है। हमारे सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ से, बहुत कमेंट आते हैं ना, इसके लिए स्पेशली मैं इसे कवर कर रहा हूँ। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। बाकी जो लोग यहाँ से हो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। यहाँ पे नरसापुर के लिए जो ट्रेन आपको जाती दिख रही है, ये वही जो लाइन आपको अराइवल पे देखने को मिलेगी ना, उसी पे निकलने वाली है। हम लोग निदबोलू जंक्शन पहुँचे। अभी प्लेटफॉर्म में कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इंडियन रेलवेज ने बहुत सारे स्टेशन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं, और देखिए काम भी शुरू हो चुका है सभी रेलवे स्टेशनों में। ऐसा नहीं है कि कहीं काम टाला गया हो या आराम से होगा, डीले होगा। काम यहाँ पर देखिए शुरू है एकदम। जो लोग यहाँ से हो बताइएगा ज़रूर आप लोग। गाड़ी थोड़ा डीले चल रही है और यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट 12 बजे पहुँच रहे हैं। आगे ट्राई किए, ठीक ठाक है, मतलब 500 रुपए के हिसाब से अगर आपको मिलते हैं वर्थ रहेंगे, ले लेना, अच्छे हैं, नॉट बैड। जो लोग बेंगलोर या बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनको तो पता ही होगा रेट 1200-1400 ऐसे में मिलता है। तो अगर आपको ये इस रेट में मिल रहा है, वर्थ इट रहेगा एक्सपीरियंस, ट्राई कर सकते हो आप। गर्मियाँ हैं तो देखो सबके हाथ में पानी, जूस, सब कुछ है भाई। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मुझे लगता है खाने से ज़्यादा तो पानी और जूसेस बिक रहे होंगे आज के टाइम पे। बिरयानी और थाली भी यहाँ स्टेशन में बिक रही है, जूसेस तो हैं ही साथ में यहाँ पे। कोणार्क एक्सप्रेस अपनी आज की है राजमुंड्री शहर में पहुँच के, कल्चरल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश राजमुंड्री। जो लोग यहाँ से हो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर। वैसे एक घंटे का डिले हुआ है, 11:30 का यहाँ पर अराइवल था, 33 का 2 मिनट का हॉल्ट टाइम, और यहाँ पर हम लोग 12:35 पहुँच रहे हैं। खाना पीना आपको स्टेशन में सब कुछ मिल जाएगा, वेज नॉन वेज सभी चीज़ें अवेलेबल है। बाकी ट्रेन में जनरल की तरफ आप देख लो, पूरा जो खाना पीना बिक रहा है नॉन स्टॉप यहाँ पर चीज़ें बिक रही हैं। जो इसका हॉल्ट टाइम है यहाँ पर 2 मिनट का होता है, तो इसमें आपको डिसाइड करना है
क्या लेना है आपको। वैसे स्टेशन में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की जो शॉप है वहाँ पर पोत्रकलू भी मिल रही है। पोत्रकलू यहाँ की सबसे फेमस स्वीट होती है, एकदम पेपर जैसी होती है, आपके मुँह में रखते हो वो मेल्ट हो जाएगी। यहाँ दुकान वगैरह में तो अवेलेबल नहीं है। आगे आगे हमारे गुंटूर विशाखापट्टनम सिंहाद्री एक्सप्रेस चल रही है, जिसके कारण हमारी ट्रेन लेट हो रही है, वरना इतना ट्रेन अपनी लेट होती नहीं, आउटर में रुकी हुई थी 15 मिनट से। ये सब हो रहा है सिंहाद्री एक्सप्रेस के कारण, जो कि गुंटूर से विशाखापट्टनम के बीच में चलती है। नॉनवेज खाते हो ना तो बहुत बढ़िया बिरयानी आपको यहाँ मिल जाएगी चिकन की, तो वो आप ट्राई कर लेना। बाकी मैं तो ट्रेन से ही खाने वाला हूँ, ट्रेन का खाना बहुत अच्छा मिला है दोनों टाइम का, तो इस बार भी मैं ट्रेन का ही ट्राई करूँगा, मेरे को वो ज़्यादा पसंद आया। इंडियन रेलवे की कितनी तारीफ करूँ कम है, देख लो स्टेशन के अंदर 2 ही मिनट का हॉल्ट है, स्टेशन के बाहर 15 मिनट से खड़ी थी। मैं जैसे ही अंदर आया गाड़ी का डिपार्चर हो गया, मैं कहा चलो छोड़ो अंदर से लेते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अगर गर्म ठंडा होगा ना तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए अंदर से आप देखो। बाकी खाना अपना आ गया, देखते हैं क्या क्या है और स्वाद कैसा है। बाकी खाने में यहाँ पे आपको देखो सब्जी मिल जाएगी, आलू प्याज की, और तेल बड़ा यार इसमें लेकिन, और ये है पनीर मटर की सब्जी यहाँ पे, चलो उसमें पनीर के टुकड़े पड़े हुए हैं कम से कम, और ये है दाल, दाल काफ़ी गाढ़ी सी है, और चावल रोटी, और इसमें है एक गुलाब जामुन। भैया ने पूछा था दही लोगे गुलाब जामुन, मैंने कहा भाई गुलाब जामुन ही दे दो आप। बाकी 2 AC में होने का बहुत बेनिफिट मिलता है, तो ये जो कर्टेन है ये डाल के प्राइवेसी अपनी हो जाती है। अब देखते हैं खाने का स्वाद, सबसे पहले दाल टेस्ट करूँगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। दाल में प्याज वगैरह पड़ी हुई है, नज़ारे एक तो इस रूट में काफ़ी तगड़े मिल रहे हैं। पनीर में नमक डालना भूल गए भैया, लेकिन वो पनीर बटर मसाला लग रही है मीठी मीठी। दाल से कंपनसेट हो जा रहा है। अब ये तेल वाली सब्जी देखते हैं कैसी है। यहाँ पे धनबाद अलपुजा एक्सप्रेस, धनबाद अलपुजा के साथ अपनी क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पर। कंप्लीट AC कोच वाली गाड़ी हो गई, 4 इसमें 2 AC 1 first AC, पता नहीं रेलवे के मन में चल गया रहा है। रोटियां भी देख लो ठीक ठाक है, ट्रेन की पैंट्री के बने के हिसाब से सही है। पनीर सब्जी थोड़ी मीठी है, उसके सिवा बाकी चीज़ें बहुत टेस्टी हैं और अच्छी भी लग रही है वो। लंच काफ़ी बढ़िया मिला है और क्वांटिटी भी बहुत सफिशिएंट है। चलिए इसको फिनिश करते हैं, आपसे जल्दी आने वाले स्टेशन में मुलाकात करते हैं। भूख बहुत जोर की लगी थी, सही टाइम पे सही लंच मिल गया। देखो ट्रेन का खाना खाने का बस एक फ़ायदा ये है, अभी तो मान लो अच्छा मिला है, किसी किसी ट्रेन में अगर आपको ख़राब खाना मिले तो आप कंप्लेन कर सकते हो। स्टेशन से आपने कुछ खाना लिया ना उसकी कोई शिकायत कर सकते हो, ना उसकी कोई सुनने वाला कोई है, वही एक चीज़ मुझे लगती है, इसलिए मैं हमेशा ट्रेन का खाना ही रिकमेंड करता हूँ। बाकी कुछ कुछ स्टेशनों में कुछ कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, वो मैं आपको वीडियो में रिकमेंड कर देता हूँ, ताकि आपको अपनी ट्रैवलिंग के दौरान कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े। चलिए मैं इसे फिनिश करता हूँ, आपसे जल्दी मुलाकात करते हैं। लोगों को तकलीफ होती है अगर ट्रेन में किसी को अच्छा खाना मिल जाए तो, जैसे एक बार मैंने नंदनकानन एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था, उसमें वाकई में बहुत अच्छा खाना मुझे सर्व हुआ था, और कुछ महीनों बाद कोई यूट्यूबर उसमें ट्रैवल किया था, फिर उसने बोला कि मुझे सड़ा खाना मिल गया, ख़राब खाना मिल गया, पता नहीं हम किसी का वीडियो देख कर आए तो उसने बहुत तारीफ़ किया था और यहाँ पर ऐसा खाना मिल रहा है। तो भाई बेसिक कॉमन सेंस लगाओ, कॉन्ट्रैक्ट जो है इन ट्रेनों का, टेंडर जो है वो 6-6 महीने में, 1-1 साल में, 2 साल में चेंज होता रहता है। आज मुझे अच्छा मिल रहा है, हो सकता है कल कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट मिला हो वो ख़राब खिला रहा है ना। जैसे रेक रेक के ऊपर भी होता है, 4 रेक इस गाड़ी के चल रहे हैं, जिस रेक में मैं यात्रा कर रहा हूँ बढ़िया मैनेजर है, बढ़िया खाना खिला रहे हैं, ट्रे में दे रहे हैं, कल को आप आ रहे हो उस वाले रेक में ट्रे में खाना नहीं मिल रहा है, तो ऐसे चेंजेस आते हैं, किस चीज़ के साथ एडजस्ट करना होता है। किसी और की वीडियो को कर्ज करने के बजाय अपने वीडियो पर ध्यान देना होता है। आज अच्छा खाना मिला है, अभी के लिए गाड़ी रिकमेंडेड है, अब आज से 2 साल बाद आप ये वीडियो देखो और तब आपको ख़राब खाना मिले तब मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन आज बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया है, जर्नी आप इसमें ज़रूर इन्जॉय करोगे। और टाइम से कार्गो पहने पहने आप थकान सी हो रही है, आप सोच रहा हूँ चेंज कर लिया जाए, आप लोग भी ट्रेन जर्नी के दौरान चेंज करते हो क्या, कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, आप थोड़ा रिलैक्स होकर रहेंगे क्योंकि गर्मी भी बाहर बहुत ज़्यादा है।
कि ट्रेन अपनी यहाँ पे समालकोट जंक्शन पहुँच रही है। मैं ऑरेंज खा रहा था फिर खाना तो मतलब ट्रेन का मैंने खाया, उसका सोचा नहीं फ्रूट्स खाना ज़रूरी है क्योंकि बाहर गर्मी है तो थोड़ा स्ट्रेस जाना चाहिए शरीर में, तो मैं ये खा रहा था तब तक समालकोट आ गया। चलते हैं बाहर, कूड़ा भी फेंक देंगे सिवाने। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम यहाँ भी चल रहा है समालकोट जंक्शन में भी। 125 पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जंक्शन पता है इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से काकीनाडा टाउन के लिए जो लाइन है वो गई हुई है, वो डिपार्चर भी देखने को मिलेगी। बाकी काकीनाडा से बैंगलोर के लिए शेषाद्री चलती है, बहुत दिनों से इच्छा उसमें ट्रैवल करने की, कभी किया नहीं है। आप में से किसी ने कभी ट्रैवल किया है रिकमेंड करना चाहोगे तो बताना ज़रूर। हाँ बाकी अवतार चेंज हो गए, ट्रैक पैंट में आ गया हूँ अभी मैं, गर्मी बहुत है इसलिए कार को काफ़ी हैवी सा लग रहा था। यहाँ से क्लीन डिपार्चर 2 मिनट के हॉल्ट के बाद, जिसको पानी लेना था खाना लेना था सभी के काम पूरे। ये जो लाइन है ये काकीनाडा टाउन की ओर चल रही है, पहले एक रेल बस चला करती थी समालकोट से काकीनाडा के लिए, और अभी तो वो चीज़ें नहीं है। विशाखापट्टनम पहुँचने से पहले आपको यहाँ का लोको शेड देखने को मिल जाएगा, जहाँ बहुत सारे लोकोमोटिव हैं, दूर दूर तक आपको लोकोमोटिव दिखाई देंगे। कौन सा लोकोमोटिव हमारी ट्रेन में लगेगा ये तो अभी से नहीं कह सकता, क्योंकि देखो दो दो लोकोमोटिव रनिंग हालत में यहाँ पे अभी, एक ये भी है, तो देखते हैं यहाँ से कौन सा लोकोमोटिव लगेगा। लेकिन हमारा रिवर्सल यहाँ पे होने वाला है, और सोल्जर की रिंग शेयरिंग वाली ट्रेन भी खड़ी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 3:40 पे हमारी कोणार्क एक्सप्रेस आ चुकी है। 4 बजे यहाँ से डिपार्चर होगा, रिवर्सल होने के बाद जिस डायरेक्शन से है उसी डायरेक्शन में वापस जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग विजयनगरम भुवनेश्वर तरफ बढ़ जाएंगे।
बिल्कुल डॉट ऑन टाइम आज के यहाँ पे विशाखापट्टनम जंक्शन, और जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो रूट्स हैं वो आपको मैं जो बता रहा हूँ, भुवनेश्वर वाली चेन्नई लाइन, ये सभी मिलते हैं। और इसके आगे जो ट्रेन है ना वो नहीं जाती है। वैसे अरकू वैली के लिए भी यहाँ से ट्रेन चलती है, जिसमें आप लोगों ने मेरे साथ जर्नी देखी है अरकू वैली वाली में। जिन लोगों ने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। मानसून में वो जर्नी बहुत ही कमाल की होती है। कि जनरल में भीड़ आप यहाँ से भी देखिए तो लोग लगातार यहाँ भी चढ़ उतर रहे हैं। अब डेली ट्रेन है ना तो अप डाउन वाली भीड़ आपको हमेशा हर जगह देखने को मिलेगी। मेन बात ये कि इसके आगे ट्रैक्स जाते नहीं हैं, आगे समुद्र शुरू हो जाता है विशाखापट्टनम का, इसीलिए यहाँ पे स्टेशन को एकदम एंड पे बनाया गया है। टर्मिनेट हो जाती हैं गाड़ियाँ और रिवर्सल लेकर वापस जाती हैं। रुकी हुई थी तो मैं बाहर देखने आया थोड़ा और आगे तक, तो यहाँ पे समोसे, इडली वड़ा, सांभर सब कुछ मिल रहा है। मतलब साउथ का टच भी है विशाखापट्टनम में और उड़िया टच भी है। जी का टाइम था और बस एक दो मिनट ऊपर नीचे हुआ और गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है। गर्मियों में पानी की शॉर्टेज होने वाली है और यहाँ पर रेलवे की तैयारी देखो, रेल नीर सब जगह है। किनले बिस्लरी भी अप्रूव्ड है और भी 5 ब्रांड टोटल रेलवे ने अप्रूव किए हैं। बाकी ये वाले जो 5 रुपये लीटर वाले जो प्लांट से ये भी अब काम करने लग गए हैं। कोई तो ट्रेन आई है यहाँ पे इंटरस्टेट टाइप की, विशाखापट्टनम कोरापुट भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम कोरापुट भी हो सकती है, विशाखापट्टनम भुवनेश्वर भी। रेक शेयरिंग है इसलिए मैं एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह गाड़ी जा रही है। गाड़ी गई प्लेटफॉर्म में और उसके पीछे पीछे लोकोमोटिव भी जाते हुए, रिवर्सल में जाके ज़्यादा समय ना लगे। हमारी ट्रेन का भी 20 मिनट में रिवर्सल आज हो गया है। बहुत ही बड़ा लोको शेड है यहाँ का। सनसेट बहुत ही कमाल की हो रही है और यहाँ हमारी ट्रेन विजयनगरम जंक्शन पहुँच रही है। एक्चुअली यहाँ पे 5 बजे का अराइवल टाइम था और ट्रेन एग्जैक्टली 5 बजे ही पहुँच रही है। बाकी आप लोगों को यहाँ से रूट्स की जानकारी देता हूँ स्टेशन में उतर के। पहले आप अराइवल पे जो कर्व है वो देखिए, बहुत सुंदर है। विजयनगरम में काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। और बाकी यहाँ से आप लोगों ने मेरे साथ ट्रैवल किया है, याद करिए वो ट्रेन जिसमें हम लोग नागपुर से चढ़े थे और आए थे रायपुर। रायपुर से हम लोगों ने रूट बदला था और टी से एक स्टेशन है, नाम नहीं बताऊँगा, गढ़ उसके एंड में है, उस चीज़ को ध्यान रखिए। उस रूट से आए थे और फाइनली जाके हम लोग विजयनगरम में मर्ज हुए थे। उड़ीसा एक्सप्लोर किया था हम लोगों ने उस ट्रेन से। तो अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है वो कौन सा रूट था जो यहाँ से अलग होता है। डिपार्चर में वो लाइन भी आपको दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट टाइम रहता है, 5 मिनट के डिले के साथ आए हैं। 4:55 का यहाँ पे अराइवल टाइम था और यहाँ पे ट्रेन 5 बजे पहुँची है। समोसा समोसा समोसा। विजयनगरम में भी हम लोग ज़्यादा देर रुक के निकल चुके हैं, मतलब 5 मिनट रुकी है, चीज़ तो मैं कहूँगा अच्छा खासा टाइम था लोगों के पास पत्ती समोसा आलू समोसा खरीदने का। यहाँ पे लोगों ने खरीदा भी खूब है,
से आपको सनसेट दिखाता हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट हो चुकी है पर नज़ारे और अच्छे देखने को मिलेंगे अभी। ये वो लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये रायपुर की ओर जा रही है। तो अभी आप लोगों को बाकी का होमवर्क करना है जो मैंने आपको दिया है, थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कौन सा रूट एग्जैक्टली है और किस ट्रेन में हम लोगों ने साथ में ट्रैवल किया था। ट्रेन में गर्मा गर्म ये आलू चाप सर्व हो रही थी तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने ले लिया। आप देखते हैं टेस्ट कैसा है। शाम तो खैर ढल चुकी है, अच्छी रफ्तार हम भाग रहे हैं नॉन स्टॉप। क्या स्वाद है। ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो ना तो शाम के लिए ये रिकमेंड करूँगा। कल मतलब जब मैं चढ़ा था पुणे से तब समोसे बहुत अच्छे मिले थे, डिनर अच्छा मिला था, लंच आज थोड़ा एवरेज सा था, ब्रेकफास्ट में उपमा बहुत तगड़ा था और कटलेट मतलब चाप, सुबह तो कटलेट थी ये चाप, ये बढ़िया है शाम के लिए, इसे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। रात का जो मेन्यू है मैंने उसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया है, मैंने अपने लिए पनीर चिली एंड राइस मंगा लिया, थाली खा के हो गया, अभी अब कुछ नया ट्राई करेंगे। कुछ दोस्त लोग हैं उन्होंने पत्ती समोसा भी लिया था, आप बोल रहे ट्राई कर लो आप, तो ये प्याज वाला नहीं है आलू वाला है। आलू की भुजिया बना के फ्राई करके बस भरा हुआ ट्रायंगुलर समोसे में, भाई ये मत लेना आप किसी स्टेशन से, बेस्ट है आलू चाप ट्रेन का, ये खाओ ये बढ़िया।
5:50 पर हम लोग आ चुके हैं श्रीकाकुलम रोड रेलवे स्टेशन। तो जो लोग यहाँ से हो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। जगह बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि यहाँ पे सनसेट में ठंडी हवा मिल रही है, वो बहुत अच्छा लगा। देखो हवा अभी भी चल रही है। स्टेशन के अंदर खूबसूरती से पेड़ लगाए गए हैं, ये देख करके भी अच्छा ही लग रहा है। और देखो हवा से ये भी हिल रहे हैं। बार बार अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा मैं आप लोग को, बोर हो जाओगे वरना शक्ल देख के। बाकी पानी वगैरह आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं, लग तो रहा है आना चाहिए। आ रहा है, चलो स्टेशन में पानी आ रहा है कम से कम। तो यहाँ पे चलती ट्रेन में मैं आपको अलकार्टे मेन्यू दिखा रहा हूँ, उसको आप या तो स्क्रीनशॉट बना के सेव कर लीजिए या तो इतने वीडियो क्लिप को अपने पास सेव कर लीजिए। अपनी ट्रैवलिंग के दौरान इस मेन्यू का आप लोग ज़रूर यूज़ करिएगा। अब आप खाने के थाली में एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करवा सकते हो, जैसे 250 ग्राम पनीर मात्र 100 रुपये में आप ऐड करा सकते हो। थाली तो 80 की होती है, लेकिन चीज़ें और सुविधाएँ आपके लिए बढ़ा दी गई हैं। तो इस अलकार्टे मेन्यू को रेलवे के अपने पास सेव कर लीजिए, आपकी यात्रा के दौरान बहुत काम आने वाला है। ये एक ऑफिशियल मेन्यू है। यहाँ कोणार्क एक्सप्रेस से अपनी क्रॉसिंग हो रही है पलासा में। कोणार्क जाने वाली जो कि मुंबई की ओर जा रही है वो रुकी हुई है यहाँ पे, और हमारी ट्रेन भी पहुँच चुकी है पलासा। तो जब हम लोग पलासा आए हैं, और यहाँ के काजू फेमस होते हैं इसलिए पलासा जाना जाता है। तो अगर कभी आप यहाँ आए हो या आपने काजू वगैरह कुछ खरीदा तो यार मेरे को कुछ अपडेट दो आप लोग, जो लोग यहाँ से हो ज़रूर बताना। मतलब मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ये सच में चीज़ सही है। 2 मिनट का हॉल्ट है और काजू वगैरह का ना कोई स्टॉल है, ना कोई लोकल वेंडर बेच रहा है काजू वगैरह। हाँ, पर समोसे ज़रूर बिक रहे हैं यहाँ पे। समोसे तो पूरे देश में बिकते हैं, वो यहाँ भी बिक रहे हैं। चलिए बाकी मिलते हैं आपसे डिपार्चर में। डिनर में चिली पनीर एंड फ्राइड राइस ऑर्डर किया है, आप इसके बाद वही आएगा तो वो भी टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा है। 2 मिनट का हॉल्ट है, ज़्यादा देर ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है। एक्चुअली आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने लिया कि देखो यहाँ पे आलू कैसे भरी जाती है, सब्जी बना के बस उसे भर देते हैं, कोई समोसे वाली फीलिंग नहीं होती है। बाकी मात्र 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है यहाँ से। और ये वाला रेक आपको याद होगा गुलबर्गा में जब हम लोग बैठे थे तो ये जब कोणार्क क्रॉस हुई थी तो यही वाला कोच लगा था। तो मतलब ये वही वाला कोच है जो हमें मिला था। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की शॉप पे काजू दिख रहे हैं, मतलब यहाँ तक आपको आना पड़ेगा। गजब का एक्सेलरेशन पलासा से। सोमपेटा रेलवे स्टेशन में हमारी ट्रेन रुकी थी, लाइट ही नहीं थी, अभी लाइट आई है।
गोरखपुर राउरकेला एक्सप्रेस आई है। मेरे को तो यही नहीं पता गोरखपुर है कहाँ पे। इसका रूट कटक से अलग हो जाता होगा और कोणार्क इसके आगे आगे निकल रही है। गोरखपुर वाली ट्रेन पूरी की पूरी खाली है, मतलब क्या बताऊँ, स्लीपर में एक कोच में नौ 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 होंगे। चिली पनीर और फ्राइड राइस आ चुका है, तो ये आपको 150 रुपये का मिलेगा ट्रेन में। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर आपको ये खाना है तो 150 पे करने पड़ेंगे। ये कुछ ऐसा दिखता है। फ्लिपकार्ट का मेन्यू देखा था तो उसमें 100 रुपये का होता है ये चिली पनीर और 80 रुपये का होता है फ्राइड राइस, पर इसमें ट्रेन में 150 ले रहे हैं। पनीर ठीक है, मंचूरियन जैसा है, और साथ में आपको पराठे का भी ऑप्शन है। राइस ना लेना चाहो तो आप पराठा ले सकते हो, अगर पनीर ना लेना चाहो तो चिकन ले सकते हो। ये चावल सादे में भी बहुत अच्छा लग रहा है बिना इसके भी, और ये तो बस थोड़ा मतलब टेस्ट बूस्ट कर देता है उसका। ओवरऑल गाड़ी का खाना पीना बढ़िया है, फिर से रिकमेंड करूँगा। ट्रैवल कर रहे होगे ना तो मज़ा आएगा आपको, खाना ज़रूर। पहुंच गए हैं ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन में। 8:20 का अरावल टाइम था, 10 मिनट का हॉल्ट, और 8:30 पहुंची अपनी कोणार्क। बहुत भीड़ उतरी है यहाँ पे, बहुत भीड़। इनफैक्ट मैं बताऊँ, मेरे को अराइवल लेने के लिए क्या सीट से उठने की भी जगह नहीं मिल रही थी जब मैं यहाँ पे उतरा हूँ। तो भीड़ देखो आप यहाँ पे, कितनी ज़्यादा भीड़ उतरी है यहाँ पे। जो लोग हो ब्रह्मपुर से भाई, कमेंट सेक्शन में लिख करके बता ज़रूर देना। बाकी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कितनी भीड़ है, कितने लोग उतरे हैं। चढ़ने वाला तो कोई नहीं, क्योंकि अब ट्रेन भुवनेश्वर तक ही जा रही है, तो लंबी दूरी के लिए कोई एसी क्लासेस में तो जाते हैं, छोटी दूरी के लिए तो कोई नहीं चढ़ता है। मुझे बहुत ख़राब लगती है कि आदमी एक होता है और बैग 4-5 लेकर चलते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ बंदे 2 हैं 6 बैग लेके। मेरे जो को पैसेंजर थी मैडम, वो अकेली थी और 4 इतने बड़े बैग लाए थे कि लग रहा था 50-50 किलो का एक बैग हो। जो फुल साइज ट्रॉलीज होते हैं ना, वैसे 4 बैग लेकर के अकेली बंदी ट्रैवल कर रही थी। वो तो देख करके ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, उतना सामान। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और इस वीडियो के अगले पार्ट में आपसे मुलाकात करता हूँ, जहाँ हम लोग भुवनेश्वर उतरने वाले हैं ट्रेन से और बदलेंगे अगली ट्रेन, और इन दोनों के बीच में कितना गैप होने वाला है, क्या क्या चेंजेस होंगे इस जर्नी में, काफ़ी एक्साइटमेंट अभी बाकी है। तो मिलते हैं इस जर्नी के अगले पार्ट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।